हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए आज हम आपको बहुत ही सुंदर कुशन कवर इजीली और फास्टली बनने वाले बता रही हैं। हमारे पास इसकी लेंथ जो है 13.5 प्लस 13.5 है, स्क्वायर में है। जो लंबाई चौड़ाई है वो दोनों स्क्वायर में है, 13.5 प्लस 13.5 दोनों साइड में। और इसकी हम बहुत ही सुंदर और सरल डिजाइन बताएंगे आपको, जो आप अपने घर पे इजीली बना सकते हैं। और आप इसको देखिए, क्योंकि आजकल हमारे घर में हमें डेकोरेट करने के लिए कुशन चाहिए सोफ़ा के ऊपर, तो सोफ़ा सेट को सजाने के लिए जो कुशन कवर, उसके आप घर पे बहुत सुंदर कवर बना सकते हो। तो देखिए, इसके लिए जो हमारा मिडिल सेंटर है, इसको हम मिडिल सेंटर बनाएंगे सबसे पहले, जैसे कि हम बनाते हैं। और जो मेरी गर्ल्स हैं वो बहुत सुंदर सुंदर इसके डिजाइंस वो बना देती हैं एक दिन में, तो मैं सोचती हूँ कि आप भी इसे बहुत अच्छे से और अपने घर पे बहुत इजीली बना भी सकेंगे। तो ये इसकी, इसको हमने फोर फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, और फोर फोल्ड में करके आप इसको एक एक इंच की दूरी से इस प्रकार से मार्किंग कर लीजिए। देखिए, जैसे ये एक इंच की दूरी है, ये ऐसे एक इंच की यहाँ से दूरी है, और ये इस तरफ भी एक इंच की दूरी है। तो दोनों साइड में हमने एक एक इंच की दूरी की इस प्रकार से मार्किंग करनी है, ये ऐसी। और एक एक इंच की साइड बाद करके इस प्रकार का ये पार्ट कट कर लिया हमने, ये एक इंच का माइनस कर लिया है, बाकी का ये पार्ट कट कर लिया है। तो ये कितनी पार्ट हुई, चार। और ये एक इंच आप ध्यान रखें कि हमने एक इंच का इस प्रकार से, एक इंच इस तरफ से जाएगा तो इस पार्ट का भी एक इंच इस तरफ जाएगा, तो ये टोटल 2 इंच की पट्टी बीच में चले जाएगी इस प्रकार से। तो ये मार्किंग हो गया है, और ये हमारी जो बीच सेंटर की लाइन है, मिडिल सेंटर की, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखिए चारों ओर से मार्किंग कर लिया है, ये हो गया है। अब हमने एक ये पार्ट बनाया है, एक कुशन कवर में हमें चार पार्ट चाहिएंगे, एक दो और ये तीन, ये चार, और फिर बीच के ये वाली पट्टी, ये जो हमने 2 इंच के, 1 इंच और 1 इंच, 2 इंच की पट्टी है, ये 2 इंच की पट्टी है, ये 2 इंच की पट्टी है, ये 2 इंच की पट्टी है, एक दो तीन चार, ये चार पार्ट्स हैं। तो ये एक पार्ट्स का लिया है। अब इसकी इस प्रकार से मार्किंग कैसे करेंगे देखिए आपको। हमने ये डिज़ाइन का इसलिए लिया है कि हम इसको डिज़ाइनिंग में ही बिठा सकें। तो ये देखिए, ये जो सेंटर का ऊपर का जो स्क्वायर है, यहाँ से इस प्रकार तिरछी लाइन जानी चाहिए, यहाँ से इस प्रकार तिरछी लाइन जानी चाहिए जब हम इसकी स्टिचिंग करें तब। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने ऐसे इसको सेट करके और ऐसे मार्किंग कर लेना है। ये हमारी सिलाई इसकी बहुत आसान होगी। और ये जो, ये देखिए आप अभी इस लाइन के अंदर अंदर का इसका दृश्य देखिए इस प्रकार से। फिर एक पार्ट्स हम इसके पास में यही कट करेंगे, यहाँ तक ये जो है स्क्वायर में आएगा। ये जो हमारे डिज़ाइन है वो बिल्कुल कटनी नहीं चाहिए, तो इसको हमने ऐसे ये ले लिया। ये हमारे दो पार्ट्स हो गए हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ पे ये तीसरा पार्ट्स है, जो ये सेंटर का हो गया है, और ये हमारे पास ये तीसरा हो गया है। ये बहुत डिजाइन बहुत ही सुंदर बनेगी। और इसी प्रकार से ये सेंटर हो गया है, और यहाँ से ये हमने चौथा कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे चार पार्ट्स कटिंग हो जाएंगे। एक पार्ट्स आपको कट करके बता रही हैं, ये देखिए इस तरह से हमें कट करना है कि जो हमारे डिजाइंस हैं वो बिल्कुल सेफ रहे। सिलाई का हमने साइड ले ली है, तो इस प्रकार से हमें ये चार पार्ट्स कट कर लेने हैं। ये हमारे चार पार्ट्स हैं, जो ये बीच का स्पेस है, इस पे हम दूसरे कलर का वेलवेट यूज कर रहे हैं। बीच की पट्टी को भी हमें इस प्रकार अब कट कर लेना है। साइड की कट हमने कट कर ली है, तो हमें बीच का भी ये डिज़ाइन, ये जो पैटर्न है, इसको हमने कट करके अलग कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया, देखिए थोड़ी सी जो है साइडिंग वो हल्की सी एक्स्ट्रा कट की है। ये हमारी एक फुल पट्टी होगी, और ये देखिए ये एक साइड की है, और इसी प्रकार से ये वाली एक साइड की और होगी। इसको भी हम हल्का सा एक्स्ट्रा कट करेंगे ऐसे,
और ये हमारा बीच का पार्ट्स होगा। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। इस बीच के पार्ट्स के लिए ये देखिए, ये हमने ये रेड कलर का ये वेलवेट लिया है और इसको हम यहाँ इन पट्टियों की जगह यहाँ पे अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इस रेड पट्टी को तैयार करेंगे जो हमने बीच सेंटर में लगानी है अपने कुशन के। तो इसके लिए देखिए, हमने ये एक इंच की पट्टी ली है और जो ये राउंड है इसकी डिजाइन को हमने बीच में रखा है। अब हम आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ इसको स्टिच करेंगे इस पट्टी पे। ये देखिए, यहाँ पे हमें रखना है इसको और बिल्कुल जो हमारा बीच की डिजाइन है वो बीच में आए, इस हिसाब से हमें इसको स्टिच करना है। और आपको वेलवेट की कपड़े में सुई चेंज अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, ये पट्टी स्टिच करने के बाद में हम इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और जो इसका सेंटर है ये यहाँ पे आप हल्का सा मार्किंग कर ले, जैसे ये हमने ये देखिए हल्का हल्का मार्किंग कर लिया है। और अब हमें इस बीच सेंटर में देखिए, इस एक पट्टी को हमने फुल रखा है और जो दूसरी थी स्क्वायर में उसको हाफ कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसको इतना सा एक्स्ट्रा रखना है ऊपर वाली पट्टी को, और इस पट्टी को यहाँ से ये जो बीच सेंटर है यहाँ पे जॉइंट करना है। देखिए, ये ऐसे इसको स्टिच, इसको ऐसे फोल्ड कर दे, ऐसे फोल्ड कर लिया है और ये सिलाई यहाँ से ऐसे स्टिच करनी है। और इसमें हमने देखिए सुई चेंज कर ली है, जो हमारी ये वेलवेट की कपड़े में काम आने वाली जो सुई होती है 11 नंबर की, उसको हमने इसमें यूज किया है। बेसिकली कुछ वेलवेट तो ऐसे होते हैं जिन पे हर प्रकार की सुई चलती है, किंतु ये जो वेलवेट है इस पे नॉर्मली सुई नहीं चलती है, इसलिए हमने इसमें 11 नंबर सुई का यूज किया है, सुई को चेंज कर लिया है। अब ये देखिए, ये इसको फोल्ड किया है तो ये यहाँ पे ऐसे जॉइंट भी हो गया है, और ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा के छोटा करेंगे इसको ऐसे, और अब हम इसको यहाँ सेट करेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से स्टिच होगा। इसी प्रकार से ये देखिए, जो दूसरी साइड है इसको हम एक इंच कट कर देते हैं, ये हमने एक इंच कट कर दिया है, और ये जो इसका बीच सेंटर है यहाँ पे कट लगा लिया है, और इसको हमें यहाँ स्टिच कर लेना है, यहाँ पे सेंटर को यहाँ मिला करके और फिर ऐसे स्टिच कर लेना है। और अब हमें ये जो हमारा ओपन हिस्सा है, ये जो बेल्ट है दो साइड के, एक ये एक ही वाला, इसको इसके नीचे ऐसे स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा स्क्वायर में हो गया है। अब आप इसको चाहे तो लंबी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी बीच की जो पट्टी थी इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसमें साइड की जो पार्ट्स हैं वो जॉइंट करेंगे। अब हम इसको स्टिच करने के बाद में जो ये कॉर्नर होता है, जैसे ये कॉर्नर है और यहाँ से हमें इसको स्टिच करना है, जैसे इसको यहाँ पे, तो हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ से इसको आप ऐसे रखेंगे नोक पे, और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। जितनी की हमारी आधा इंच की सिलाई है वैसे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये इस प्रकार से आप इसको स्टिच कर लें, या फिर आप ऐसे स्टार्ट से भी स्टिच कर सकते हैं। चाहे तो आप बीच सेंटर से स्टिच करें या फिर आप स्टार्ट से, और बीच सेंटर पे इस प्रकार से हमने ये देखिए ये निशान लगाया हुआ है पेन का। अब हमें इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेना है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा और फोल्ड करेंगे, फिर एक दो स्टिच लगाने के बाद इसको हम पूरा फोल्ड कर देंगे, ऐसे ये बीच सेंटर से फोल्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको स्टिच कर सकते हैं। बहुत सरल है। अब जो चारों पार्ट्स हैं उनको बस स्टिच करना है। और ये देखिए, इस प्रकार से हमारी ये इसकी स्टिचिंग आएगी, और जैसे ये एक पार्ट हमने जॉइंट किया है ऐसे ही हम और चारों पार्ट्स है वो जॉइंट करेंगे चारों साइड में,
इस प्रकार से। ये देखिए तीन पार्ट्स जॉइंट कर लिए हैं, अभी हमारे पास चौथा पार्ट्स है, इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हल्का सा इतना बाहर रखते हुए और इस प्रकार स्टार्ट करेंगे, यहाँ बीच सेंटर में आकर के और फिर इस तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे, तो ये बिल्कुल बराबर सिलाई आ जाती है। अब हम इसके ऊपर नीचे का कवर अटैच करेंगे, इसके लिए देखिए ये एक पार्ट्स है और ये इसको हमने फोल्ड कर लिया है। इस पार्ट को थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि ये देखिए इसके ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाता है। अब हमें इसके चारों ओर सीधा स्टिचिंग करना है, बराबर में रख लें पहले पूरे पार्ट्स के और इसको थोड़ा सा ऊपर फोल्ड होने दें और अब हमें नीचे से चारों तरफ इसके पूरी फोल्ड करना है, कहीं भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है जगह। ये हमने पूरा स्टिच कर लिया इसको चारों ओर से, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है। पूरा स्टिच करने के बाद इसको ऐसे ओन करेंगे और ये हमारी कुशन कवर तैयार हो गई है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये कुशन आपको अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों की जो नई वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक साइड पार्ट है और ये हमारे बैक साइड के दोनों पार्ट्स हैं। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इजीली और डिजाइनर कुशन स्टिच कर सकते हो। थैंक यू।